हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई? ठीक है सभी भाई? फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेके। गाड़ी आई है हमारे पास आज हुंडई की क्रेटा 1.6 में। गाड़ी की करेंगे सर्विस। गाड़ी चली हुई है लगभग 2 लाख प्लस भाई, 2 लाख से ऊपर गाड़ी चली हुई है। एक बार आपको मीटर दिखाता हूँ गाड़ी का। भाई गाड़ी देखो कितनी चली हुई है, 2,20,310 किलोमीटर टोटल। भाई गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ, अंदर से देखो एक बार, चेक करो गाड़ी। हुंडई क्रेटा चली हुई है 2,20,310 किलोमीटर के आसपास। अभी गाड़ी की ले रहे हैं ट्राई, और साइड में भाई आपको खेतों में दिखाता हूँ ट्रैक्टर चले हुए हैं। यहाँ पे ना साइड में जहाँ पे हम ट्राई ले रहे हैं ना गाड़ी की, वहाँ पे देखो साइड में ना ट्रैक्टर चले हुए हैं खेतों के अंदर। ये देखो ट्रैक्टर दिखाता हूँ आपको, जो मेरे भाई ऑफ रोडिंग के स्कीन है ना, गारे के अंदर कीचड़ के अंदर कारें घुसाते हैं, वो देखो सामने ट्रैक्टर भाई कितनी तकड़ी ऑफ रोडिंग करता है। इसको देखो आप, जो शौकीन है ना इस चीज़ के, वो ट्रैक्टर ले लो, ज़रूरत ही नहीं आपको कहीं पे घुसाने की। ट्रैक्टर कहीं मर्जी घुसाओ आप, कारों का नुकसान होता है कहीं पे घुसाते हो, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई अभी गाड़ी हमने लिफ्ट पे लगा दी है और अभी करते हैं इसका काम शुरू। एक बार गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, हुंडई क्रेटा। भाई अभी गाड़ी का डीजल फिल्टर निकाल लेंगे, यहाँ से डीजल फिल्टर खोल लिया है गाड़ी का। सर इसका काम हमने गाड़ी का शुरू कर दिया है, और अभी ऑयल फिल्टर वगैरह निकाल लेंगे इसका। अभी निकाल रहे हैं अभी गाड़ी का ऑयल फिल्टर, ये दिखाते हैं आपको। ऑयल फिल्टर की कंडीशन देखो, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल काला होया पड़ा है भाई, बुरी तरह से चौक है, देखो बुरी तरह से चौक है सारा। डालो इसको बाहर डालो। ये भी चौक हुआ पड़ा है, दिखाते हैं अभी पूरी तरह, देखो कितनी डस्ट है इसके अंदर। अभी भाई गाड़ी का जो पुराना कूलेंट है ना वो निकाल लेंगे, और फिर नया कूलेंट डालेंगे गाड़ी के अंदर। देखो इस कूलेंट का कलर आपको अलग अलग रंग में दिखेगा, क्योंकि ये है कूलेंट ख़राब हो चुका है, पुराना है ना ये, इसलिए तो बाहर निकाल लेंगे। भाई गाड़ी में जो ऑयल फिल्टर डालेंगे ना, उसकी कंडीशन ये है देखो कितना साफ है। ये लगाएंगे गाड़ी के अंदर, लगा भाई। और अभी दिखाते हैं आपको जो गाड़ी में बाकी सामान डालेंगे। ये है गाड़ी का एयर फिल्टर, कूलेंट, इंजन ऑयल, और ये स्क्रीन वाफ डालेंगे। डीजल फिल्टर जो गाड़ी में डाला हमने बोस कंपनी का लगाया है, ये देखो सामने। भाई अभी एयर फिल्टर लगाएंगे, और एयर फिल्टर का जो नीचे का बॉक्स है ना उसके अंदर आपको दिखाते हैं, देखो कितना गंद पड़ा है इसके अंदर भी, जो डस्ट खींचता है ना, हवा खींचता है ये, उसके साथ जाते हैं इसके अंदर। यही काम है एयर फिल्टर का कि इस डस्ट को इंजन के अंदर नहीं जाने देता सिर्फ। अब इसको साफ़ करेंगे डब्बे को, इसको पूरे बॉक्स को साफ़ करेंगे, फिर इसमें एयर फिल्टर लगाएंगे। अभी जो डीजल फिल्टर है ना गाड़ी का, वो फिट कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। बोस कंपनी का डीजल फिल्टर मैंने आपको बताया था कि बोस कंपनी का डीजल फिल्टर इसके अंदर लगा रहे हैं भाई। जो हुंडई का डीजल फिल्टर है काफ़ी महंगा है भाई, बोस का उससे काफ़ी सस्ता है, 50% का फ़र्क है लगभग दोनों के रेट में, 50 से 60% का फ़र्क है। अभी डाल लेंगे भाई इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर, और इंजन ऑयल की क्वालिटी चेक करना आप, देखो क्वालिटी चेक करो भाई कितना साफ़ इंजन ऑयल है। और जब गाड़ी के अंदर से निकला था ना, कितना गंदा ब्लैक कलर का ऑयल निकला था। अभी गाड़ी का एयर फिल्टर भी हमने फिट कर दिया गाड़ी के अंदर, और पूरा अच्छी तरह से इसको बॉक्स को साफ़ किया है। अभी गाड़ी में डाल लेंगे कूलेंट। कूलेंट जो डलेगा गाड़ी के अंदर भाई, 3 लीटर कूलेंट गाड़ी के अंदर डालेंगे। छोटी गाड़ियों के अंदर जैसे अल्टो वगैरह, उनके अंदर 2 लीटर आता है, इसके अंदर डालेंगे 3 लीटर। अभी गाड़ी की बैटरी के पानी का लेवल चेक कर रहे हैं, और उसके बाद बैटरी को उठाएँगे और गाड़ी के अंदर यहाँ पर फिट कर देंगे।
अभी व्हील बैलेंस करेंगे गाड़ी का भाई। गाड़ी की अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, अलाइनमेंट नहीं करेंगे गाड़ी की, सिर्फ व्हील बैलेंसिंग करेंगे टायर की। कूलेंट सब कुछ चेंज कर दिया गाड़ी का, ऑयल फिल्टर वगैरह सारी सर्विस कर दी। गाड़ी के डिस्पैड भी चेक कर ली, डिस्पैड गाड़ी की ठीक है। और क्लिपर पिने जो है वो हमने गाड़ी की ग्रीस कर दी है, डिस्पैड आप चेक कर सकते हैं। ये देखो डिस्पैड गाड़ी के भी ठीक है। तो अभी गाड़ी के एक तो पिछले सोकर चेक करेंगे और फिर उसके बाद गाड़ी को ट्राई पे लेके चलेंगे और बताएंगे आपको कि गाड़ी पे खर्चा कितना आया मेजर सर्विस का। गाड़ी चली है 2,20,000 किलोमीटर के आसपास। भाई अभी का क्या सीन है, अभी गाड़ी को लेके निकले हैं रोड पर और अभी गाड़ी की ले रहे हैं रोड पर टेस्ट ड्राइव सर्विस के बाद। गाड़ी की पिकअप आपको दिखाता हूँ भाई, गाड़ी की पिकअप है ज़बरदस्त। और भाई मैंने शुरू में आपको बोला था कि गाड़ी है 1.6, मगर गलती से बोल दिया भाई, क्योंकि गाड़ी है ये 1.4 में, क्रेटा 1.4। और गाड़ी की पिकअप आप इसकी देख सकते हैं, मैंने गाड़ी का देखो 6th गियर डाल रखा है, उसके बाद भी गाड़ी की पिकअप देखो भाई कितनी ज़बरदस्त है, एकदम बढ़िया। साठ की स्पीड से ना गाड़ी 6th गियर में ऊपर उठ रही है, देखो जैसी पंजा दबाते हैं। भाई रोड पर गाड़ी की चलाई आप देख सकते हैं, गाड़ी बड़ी मस्त चल रही है, एकदम से मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में। क्रेटा की चलाई बड़ी मस्त है भाई, क्रेटा गाड़ी बहुत ही बढ़िया भागती है, स्पीड वगैरह गाड़ी की अच्छी है। और अभी भी देखो लोकल रोड आई है जिस पर मैं चला हूँ, और अभी भी गाड़ी जो है हमारी 80 की स्पीड पर, 80-85 की स्पीड पर चली हुई है। देखो आप मीटर गाड़ी का देख सकते हैं नीचे। भाई अभी का क्या सीन है, गाड़ी की मैंने ट्राई मार ली है और गाड़ी चल रही है बिल्कुल ओके। अभी गाड़ी को लेके चलते हैं वापस वर्कशॉप की तरफ और अभी बात करते हैं कि गाड़ी पे कॉस्ट कितना आया सर्विस का। गाड़ी चली है 2,20,000 किलोमीटर के आसपास, तो गाड़ी की जो कॉस्टिंग है सर्विस की वो आपको बताता हूँ। मेजर सर्विस हमने अभी गाड़ी की है भाई, टोटल जो गाड़ी पे खर्चा आया वो आया है लगभग 6,000 के आसपास, तो जिसमें हमने गाड़ी का सारा काफ़ी सामान चेंज किया। एक दो आइटम ऐसी थी जो गाड़ी की ठीक थी, हमने चेंज नहीं की, क्योंकि मेजर सर्विस पे वो चेंज होती है, मगर वो ठीक थी वो चेंज नहीं की, तो गाड़ी की थोड़ी कॉस्टिंग कम आई है। बाकी 6,000 के आसपास का खर्चा आया गाड़ी, जिसमें 2,20,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। देख सकते हैं आप हुंडई की क्रेटा, और गाड़ी भाई बिल्कुल स्मूथ चलती है, गाड़ी के इंजन में कुछ भी फ़र्क नहीं है कि 2,00,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बढ़िया गाड़ी चल रही है। अभी इसी गाड़ी में मैं बैठा हूँ क्रेटा के अंदर। और भाई उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिस भी भाई के पास क्रेटा गाड़ी है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली हुई है और क्या क्या काम आपने कभी गाड़ी का कराया, क्या कॉस्टिंग आपको पड़ी है गाड़ी की, आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो हमसे मैसेज के जरिए। तो ठीक है भाई, बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बंद रहना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।